हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डेली यूज सेंटेंसेस टू स्पीक एट होम, यानी घर पर बोले जाने वाले वाक्य आज हम पढ़ेंगे। लर्न इंग्लिश विथ हिंदी। सो लेट्स लर्न डेली यूज सेंटेंसेस टू स्पीक एट होम विथ इन इंग्लिश विथ हिंदी विथ मी प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग। So students, let's start. The first sentence, look, make the bed over here. Look, make the bed over here. It means, देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। अगर आपको घर में बोलना है कि देखो यहाँ पर बिस्तर लगा दो, तो आप क्या बोलोगे? Look, make the bed over here. Next वाला sentence देखेंगे, the milk has turned sour. The milk has turned sour. It means, दूध फट गया है। दूध फट गया है, इसके लिए क्या सेंटेंस है? द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, लेट मी टीदर द काऊ। लेट मी टीदर द काऊ, यानी कि ठहरो मैं गाय बांध आऊ। कीप द रूम क्लीन और कीप द रूम डस्टेड, इट मीन्स व्हाट? कीप द रूम क्लीन और कीप द रूम डस्टेड, इट मीन्स कमरा साफ रखो। अगर आपको कहना है कि कमरा साफ रखो, तो यू कैन से कीप द रूम क्लीन और कीप द रूम डस्टेड। द कोल्स वर बर्न टू एशेस। द कोल्स वर बर्न टू एशेस, इट मीन्स कोयले जलकर राख हो गए। कोयले जलकर राख हो गए। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। How many children do you have? इसका अर्थ होता है कि आपके कितने बच्चे हैं? Next वाला sentence पढ़ेंगे, We cook potatoes every day for our meals. We cook potatoes every day for our meals. It means हमारे यहाँ आलू रोज पकते हैं। What new dish is made today? What new dish is made today? यानी कि आज खाने में क्या नया पकाया है? ये पूछने के लिए आप बोल सकते हो, What new dish is made today? When did the washerman last take the clothes for washing? When did the washerman last take the clothes for washing? It means धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था? Get this coat ironed again. Get this coat ironed again. It means इस कोट को फिर इस्त्री कराओ। Put wet clothes in the sun. Put wet clothes in the sun. इसका मतलब होता है गीले कपड़े धूप में डाल दो। Let me get ready. अगर आपको बाहर जाना है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? पहले आपको तैयार होना है। So let me get ready, यानी कि मैं जरा तैयार हो लूं। You are taking too long. अगर कोई तैयार होने में बहुत सारा देर लगा रहा है या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो You are taking too long, यानी कि तुम बड़ी देर लगा रहे हो। Will reach there before time. Will reach there before time. इसका अर्थ होता है हम वहां वक्त से पहले पहुंचेंगे। Will reach there before time. हम वहां वक्त से पहले पहुंचेंगे। Her mother-in-law is good-natured. Her mother-in-law is good-natured. यानी कि उसकी सास अच्छे स्वभाव की महिला है। You are welcome. You are welcome. आपका स्वागत है। अगर कोई मेहमान आपके घर में आते हैं, तो आप बोल सकते हो Welcome, you're welcome. या फिर कोई अगर आपको थैंक यू बोलता है, तो उसके लिए कटेसे में आप बोल सकती हो You're welcome. You should not go back on your words. You should not go back on your words. इसका अर्थ होता है कि तुम्हें अपने वायदे से नहीं फिरना चाहिए, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। इसके लिए आप क्या बोलोगे? You should not go back on your words. He behaved very rudely. He behaved very rudely. यानी कि उसने बहुत रूखा बर्ताव किया। वो मुझसे अच्छी तरह से पेश नहीं आया। Get your utensils clean. Get your utensils clean. यानी कि अपने बर्तनों को कलई करा लो। I can't wait any longer. I can't wait any longer. यानी कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, या फिर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। I have been out since morning. I have been out since morning. यानी कि मैं सुबह का घर से निकला हूँ, या फिर मैं सुबह से घर से निकली हूँ। Next, I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. यानी कि मुझे नींद आ रही है। अगर आपको नींद आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? I'm feeling sleepy.
I had a sound sleep last night, यानी कि रात को मुझे खूब नींद आई, कल रात मुझे खूब नींद आई. There is nobody inside. अंदर कोई नहीं है. Now go to sleep. यानी कि बस अब सो जाओ. You took a long time. यानी कि तुमने या फिर आपने बड़ी देर लगाई. I'll be ready in moment. यानी कि मैं अभी तैयार होता हूँ. Why didn't you wake me up? यानी कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, या फिर आपने मुझे जगा क्यों नहीं लिया. I didn't think it proper to wake you up. यानी कि मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा. I'll relax. यानी कि मैं जरा आराम कर लूँ. I'll relax for some time. यानी कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ. इस तरह से भी आप बोल सकते हो. So students, in today's session we learnt 30 most useful daily use sentences to speak at home. And this is very useful lecture for those who want to learn English and who want to improve their English communication skill. So इसका part 2 हम जल्दी upload कर देंगे. और इसी तरह से अब से हमारी जो daily use sentences की series हम start कर रहे हैं, various kinds of sentences आज से हम learn करना शुरू कर देंगे. So इसका playlist में नीचे playlist description में दे देती हूँ. So go through all the lectures, do like, share, subscribe, keep supporting, take care of yourself, family, friends. Thank you so much. And till then, thank you so much. Take care. Bye bye.